हेलो फ्रेंड्स, निशा टेलर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों के उसमें हाजिर हूँ। ये देख रहे हो आपको कपड़ा फटा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं रफ़ू करने जा रही थी। हाथ से थोड़ा बहुत रफ़ू आता है मुझे करना, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, आपको भी पता लग जाए। अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर घर में कपड़े फट जाते हैं तो उसे किस तरीके से किया जाता है। इतने से हम बाहर करने जाएंगे तो अच्छे खासे 100-150 रुपये ले लेता है टेलर ठीक करने का। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा फटा हुआ है, इसको मैं आपको सी के दिखा रही हूँ। हमने सुई में 11 धागा डाल लिया है, सिंगल धागा डाला है और सीधी तरफ कपड़ा है। ऐसे करके हमें इसे घुसाना है। एक बार सुई का धागा हम इधर लेकर जगह जाएंगे सुई, और एक बार हम इधर लेकर के आएंगे, फिर एक बार इधर थोड़ा सा लेना है कपड़ा हमें। आप जो ये बीच में से फटा हुआ देख रहे हैं, हमें इसके अंदर से थोड़ा सा 2-3 सूत धागे के हमें लेने हैं, और ऐसे खींच करके, ना इसको हमें ज़्यादा धागे को खींचना है ना लूज छोड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। फिर ऐसे ही 2-3 रेशे जो हैं धागे के सूत हमें फिर इसमें लेने हैं सुई में, और इस तरीके से करना है। इस तरीके से हम करेंगे, और ये एक दूसरे में चढ़ना नहीं चाहिए, कपड़ा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, कपड़ा चढ़ना नहीं चाहिए खींचने में। अगर हम ज़्यादा कपड़े को खींच देंगे धागे को तो ये खींच जाएगा, ये खींचना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा हमारा सिलते जा रहा है, और पता भी नहीं लग रहा कि ये कपड़ा हमने रिपेयर किया है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कपड़ा एल शेप में कट जाता है, फट जाता है, या सीधे में फटता है, या एल शेप में फटता है। अगर एल शेप में भी फटे तो तरीका यही है, हमें इसी तरीके से करना है। ये देखिए, मैं अगर इसे ज़्यादा खींचूंगी तो देखिए आप कपड़ा सिकुड़ गया है ना, ज़्यादा नहीं खींचना है हमें, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि हमारा कपड़ा सिकुड़े नहीं, एक दूसरे पे चढ़े नहीं। ये ऐसे ही करते करते मैं पूरा कर दूंगी इसी तरीके से। ये मैंने इस तरीके से पूरा कर दिया, कहीं पे भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हो रहा, एकदम बिल्कुल बराबर है। और अब यहाँ पे मैं इसको, ये देखिए हमारा पूरी तरीके से हो गया है। अब इसको हम ना इस तरीके से करेंगे, चटाई की तरह से। ये हमारे जो है ना कपड़े फाड़ने में बच्चे बहुत माहिर होते हैं, आए दिन कोई ना कोई कपड़ा फाड़ के लाते रहते हैं। ये इस तरीके से हम करेंगे ना, तो ये कपड़ा एक दूसरे में जो दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे में मैकअप हो जाएगा धागा। इस तरीके से करके ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे मैं पीछे ले जाऊंगी बैक साइड में, इसे मैं यहाँ पे पक्का कर दूंगी। देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रफ़ू करने का कैसा लगा। आप अपने माँ से, बहन से, किसी के मोहताज मत होइए, आप ख़ुद से अपना रफ़ू छोटी मोटी चीज़ों का ख़ुद कर सकते हैं। आपको पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अम्मी आप कर दो, बाजी आप कर दो, आप ख़ुद भी कर सकते हो ये छोटा मोटा काम। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।